हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडेंसर माइक की, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माइक की। तो जो सबसे चीपेस्ट हो, जो सबसे बेस्ट हो, जो मतलब हम लोग हमारे बजट में हो, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रहे हैं, घर पे हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल नहीं चाहिए हमें, बट घर में हमें रिकॉर्ड करना है और हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। ओके, तो उसके लिए जो माइक हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो मैं आपको एक सजेस्ट करने जो कर रहा हूँ वो है सैमसंग का। ओके, ये सैमसंग है, सैमसंग का माइक है और इसका जो नाम है C01 है। ये कंडेंसर माइक है, इससे हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें फैंटम पावर होता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो LED फैंटम पावर इंडिकेटर। ओके, फैंटम पावर से हम लोग जो साउंड कार्ड उससे कनेक्ट करके फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये है जो ये जो माइक है, माइक देखने में ऐसा रहता है। ओके, तो इसका जो इसको जो मैंने मंगाया वो अमेजोन से मंगाया है और जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हो। और इसका जो प्राइस मैं एक बार आपको बता दूँ, प्राइस जो है इस पर 4600 लिखा हुआ है, बट आपको 4000 तक में मिल जाएगा। अगर आप शॉप्स में भी देखते हो तो शॉप्स में भी आपको बार्गेनिंग करके थोड़ा 3800 या 4000 तक में आप इसको परचेज कर सकते हो। ओके, तो एक बार हम लोग देखते हैं इसको, मतलब ओपन करके एक बार देखते हैं हम लोग इसको कैसा है। तो ओपन करते हैं इसको। तो अंदर से हम लोग ओपन करें तो ये कुछ ऐसा रहता है, ऐसा डब्बे बॉक्स। ओके, ये माइक है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ये हमारा माइक ऐसा रहता है। माइक ये जो यहां से हमारा जो वायर है वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये हमारा इंडिकेटर है, फैंटम पावर इंडिकेटर। जब ये माइक ऑन होगा तो ये रेड कलर में जल जाएगा। ओके, जो ये LED बल्ब है ये जल जाएगा। ओके, तो ये है जो भी माइक है, ये टोटल है। ओके, तो इसको मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ एक बार, और इसका मैं आपको साउंड भी बताऊंगा एक बार, रिकॉर्ड करके साउंड बताऊंगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ भी समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग एक बार इसको साउंड कार्ड से कनेक्ट करते हैं। हमारे पास जो साउंड कार्ड है वो ये है, फोकस राइट का जो हमारा साउंड कार्ड है, और ये 2i/2 है। तो इसके साथ हम लोग कनेक्ट करके एक बार देखते हैं कि साउंड कैसा आता है और कैसा आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हो इसको मैंने स्टैंड के साथ लगा दिया है, यह है हमारा माइक, और इसके साथ हमने ये जो वायर है जो हमारा साउंड कार्ड है वहाँ पे जाता है, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ये जो दूसरा वायर का दूसरा पार्ट है वो यहाँ पे लग जाएगा, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो ये हमारा माइक, इसके साथ में हमने जो पॉपअप फिल्टर है हमारा उसको हमने सेट कर दिया यहाँ पे। तो ये देखने में कैसा लगे, ये एक्चुअल में ऐसा हुआ। तो एक बार इसका हम लोग साउंड क्वालिटी देखेंगे, साउंड कैसा रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड होने के बाद जो भी आउटपुट होगा वो मैं इसके बाद में डाल दूंगा, तो आप एक बार देख लेना कैसा होगा। थोड़ा मैं उस पर इफेक्ट डाल दूंगा तो आपको एक्चुअल जो कैसा क्लैरिटी आने वाला है आपके जो होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कैसा आएगा वो आपको थोड़ा मालूम चल जाएगा। ओके, तो एक बार हम लोग इसमें कुछ रिकॉर्ड करके देखते हैं। ओके, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो मैंने जो ये जो अभी हमने रिकॉर्ड किया है इसके पीछे में जो वॉइस था वो मैंने जो एक्चुअल रिकॉर्ड हुआ उसको डाला है और थोड़ा इफेक्ट डाल दिया उस पर, तो ये ऐसा सुनने में आएगा। तो ये था फाइनल हमारा जो भी माइक है। तो 4000 में इससे सस्ता और इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। तो ये जो है सबसे चीपे और बेस में सबसे अच्छा जो कंडेंसर माइक है ये है।
ओके। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप जाके परचेज कर सकते हो, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।